तो बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म जवान को लेकर है। तो शाहरुख खान की जवान ने अपने पहले वीकेंड यानी शुरुआती चार दिनों में ताबड़तोड़ कमाई करी है और लगभग 290 करोड़ की कमाई केवल चार दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस से कर ली है। और अगर दुनिया भर की कमाई की बात करी जाए तो ये आंकड़ा 500 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। इसी के साथ जवान अपने पहले वीकेंड में इंडिया से और दुनिया भर से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड की मूवी भी बन गई है। और अब पूरी उम्मीदें हैं कि ये अपने पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड 700-800 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। वैसे आपने जवान फिल्म देखी है या नहीं, और देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। दूसरी अपडेट भी जवान को लेकर ही है। तो अब जवान के रिलीज हो जाने के बाद और बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड कमाई करने के बाद अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि शायद कुछ समय के बाद जवान का पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। जी हां, ऐसी खबर आ रही है कि जवान की एंडिंग में पार्ट 2 की भी एक छोटी सी हिंट छोड़ी गई है और शायद 1-2 सालों के बाद जवान 2 भी बन सकती है। तो अब देखना होगा कि जवान के पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कब तक करी जाती है। तीसरी अपडेट द वैक्सीन वॉर को लेकर है। तो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वैक्सीन वॉर का कल एक नया पोस्टर रिलीज करा गया जिसमें फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आई। नाना पाटेकर, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और रैना सेन इस फिल्म में लीड रोल में दिखाई देंगे। वैक्सीन वॉर का अभी ट्रेलर नहीं रिलीज करा गया है, मगर विवेक अग्निहोत्री अपनी इस मूवी को अमेरिका में रह रहे इंडियन को दिखा रहे हैं, जिन्हें मूवी काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। तो अब देखना होगा कि इंडियन बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। चौथी अपडेट इंडियन 2 को लेकर है। कहा जा रहा है कि कमल हसन की आने वाली पैन इंडिया फिल्म इंडियन 2 अगले साल इंडिपेंडेंट डे के दिन रिलीज होगी और इसी के साथ इस मूवी का बॉक्स ऑफिस में क्लैश अजय देवगन की सिंघम 3 के साथ होगा। कुछ समय पहले ही अजय देवगन ने भी अनाउंस कर दिया था कि वो अपनी फिल्म सिंघम 3 को अगस्त में रिलीज करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इंडियन 2 हिंदी ऑडियंस के बीच कुछ कमाल कर भी पाएगी। और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में, तो आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने हिंदी में 100 करोड़ की कमाई कर ली है और इसी के साथ ही मूवी कई सालों के बाद आयुष्मान की 100 करोड़ में पहुंचने वाली पहली फिल्म भी बन गई है।